हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अभी मैं नाश्ता करने लगी थी तो मैंने सोचा कि साथ साथ आप लोगों से बातें भी करते जाते हैं और नाश्ता भी होता जाता है। नाश्ता तो मेरा कुछ ख़ास नहीं है, अभी बच्चे को छोड़ने गई थी स्कूल तो उसका नाश्ता लिया, तो मैंने अपना भी साथ लिया। ब्रूचन ले लिया, इसके अंदर ऑमलेट डाल लिया और ये मेरी चाय है। हमारी ज़ुबान में वैसे तो इसको कावा कहते हैं, लेकिन यहाँ जो गोरे लोग हैं इनकी ये टी है। मैं सम टाइम इसके अंदर डाल लेती हूँ दूध, और कभी नहीं भी डालती, वैसे ही पी लेती हूँ। जब नई नई यहाँ पे आई थी तो उस वक्त मैं कहती हूँ, ये इन लोगों के घरों में जाने का इतफाक़ हुआ है तो चाय पीनी है, चाय आनी तो वो कावा होना। तो मैंने कहना कि ये इन लोगों ने चाय कहा था ले, ये कावा आए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि इनकी टी यही होती है ना। और ये साथ मेरे बेटे की बर्थडे है तो मैंने कहा चलें ये भी थोड़ी सी तैयारी आप लोगों को दिखा देती हूँ। कोई ख़ास तैयारी बस छोटी सी बर्थडे की, या उसने दो तीन अपने फ्रेंड्स बुलाए हुए हैं और उनके साथ मिलके तो बस केक काट लेंगे और बर्थडे हो जाएंगी। और बर्थडे के बाद हम थोड़ी देर के लिए फिर बाहर गए थे, और बाहर में मुझे ये सरसों का खेत बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और जब ये सरसों के खेत देखते हैं तो फिर पाकिस्तान बहुत याद आता है कि जब पाकिस्तान में जाते होते थे तो वहाँ पे इस तरह के सरसों के खेत होते थे और इनको देखते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तभी भी देख के तो हम लोगों ने तस्वीरें बनाई और मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करती हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।